सुबह के बज गए हैं 8 और हम लोगों को उठने में लेट हो गया था क्योंकि थक गए थे कल और रात में सोया भी था, बातें करने के चक्कर में बहुत लेट हो गया था। और सुबह उठते ही जो नेचर की चीज़ें हम लोगों ने देखी, मतलब गेट खुलते ही एकदम ज़बरदस्त वाला नेचर दिखा हम लोगों को, जिसमें बगीचा था और वहाँ से फल तोड़ रहे थे भैया, बस जस्ट अभी अभी तोड़ा गया इसे। इसमें जैसे अगर पेड़ में कीड़े भी लग जाते हैं तो भी मैं दवा नहीं डालता हूँ, क्या छिड़काव तरीके से, मतलब जैसे राख वगैरह है, हाँ अंडे वंडे की, बस वही डालते हैं, बिल्कुल नेचुरल है एकदम। वो देखो नीचे देखो चीरा लगा हुआ है, तो ये मादा हो गई, तो ये फलने लगता है नर, लेकिन फिर फल देने लगता है, ये नर है। नर हो ना निराश करो, इसी तरह वो भी है। वहाँ वहाँ पे मेहंदी का भी पेड़ है, जो आपने बोरा देखा वो अभी जस्ट यहीं से तोड़ा गया है, ये जो आपको दिख रहा है वाइट वाइट फूल, ये यहीं से अभी जस्ट यहीं से तोड़ के टोकरी में आया है। ये देखिए गुलाब का पेड़, बहुत सारा गुलाब है, पूरा लाइन से यहाँ से वहाँ तक लगा है। और ये देखिए चमेली है, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रहा था रात में। ये अच्छा, ये फूल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये नहीं ठीक है एकदम सही है। अच्छा तो अगर सुबह सुबह हम लोग उठ के ऐसे कुछ जीवंत चीज़ें खा रहे हैं, जिंदा चीज़ें, मीठा जबरदस्त अमरूद, बहुत मीठा नहीं है ये, सीधा ये कुटिया में ऐसे घुसोगे, हाँ कुटिया नहीं, कुटिया में घुसते ही आपका वेलकम ये करेगा हनुमान जी की तरह। देखिए यहाँ पर केला अमरूद सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको, बिल्कुल आश्रम की तरह है ये। मैं आज तक मौसम्बी का पेड़ नहीं देखा था, और आज तक मैंने भी नहीं देखा था, पहली बार देखा है, पक्का होता तो तोड़ देते लेकिन हमारे किसी काम। और हम लोगों को बोड़ा, संतरा, अमरूद, बहुत सारा पेड़ दिखा, जो मतलब कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जो मैंने पहली बार देखे, जैसे संतरे का पेड़ मैंने बिल्कुल पहली बार देखा है, आज तक हम देखे नहीं थे, इतनी सारी तुलसी का पेड़ काफ़ी टाइम बाद ये देखने को मिला। ये देखिए घोड़ा, और वो ये वाला पहले के ज़माने वाला, वो तो कितना प्यारा लग रहा है ये। आज मैं काफ़ी समय बाद गांव का देसी दतवन कर रहा हूँ, तो मुझे खुद याद नहीं होगा कि मैं कितने टाइम बाद ये कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ये करने के बाद, काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि मैं गांव से रहता हूँ लेकिन ये ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, मुझे वही ब्रश करो फटाफट हट जाओ, लेकिन ये जो करने के बाद फील आ रहा है ना, मतलब बहुत लाजवाब, पूरा माउथ में फ्रेश हो जा रहा है, ऐसा फील आ रहा है। कौन सा खाएंगे आप? या फिर देखो ये वाला भी सही है। कौन सा? नहीं तो ये खाऊंगा। कमरे सो गाइस, अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं और अब है लंच टाइम, तो लंच करने के बाद अब हम लोग निकलेंगे एक अच्छी सी जगह पे जहाँ हम लोग कुछ शूट करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले तो लाइक करिएगा, फिर उसके बाद वीडियो अंत तक देखिए, और अंत तक देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ये देखिए पहले इसको हटाना होता है तब निकलना पड़ता है। हमारे गांव को नानाजी देशमुख अवार्ड मिला है इस साल का, बेस्ट गांव का एक अवार्ड मिलता है, नानाजी देशमुख अवार्ड मिला है मेरे गांव के। चलिए फिर निकलते हैं एक छोटी सी राइड के लिए। धूप में गाड़ी खड़ी थी, उसकी वजह से पूरा गाड़ी गर्म हो गया है।
लेकिन अभी 2 मिनट में ठंडा भी हो जाएगा। गांव का अवलोकन कीजिए जिसका नाम है क्या, साहबपुर। साहबपुर ये है मछली पालन, देखो। अरे ये तो सबसे बेस्ट है, प्राइमरी स्कूल दिख रहा है। वही आप बोल रहे थे, हमारे गांव में भी ऐसा ही है, बाहर निकलते ही उधर ही है। धूप काफ़ी तेज़ है और हम लोग इसी तगड़ी सी धूप में आए हैं घूमने। ये आपको स्पॉट कैसा लग रहा है? एकदम प्योर प्योर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया ना, एक व्यू देखिए उसका, यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा है। दर्शन किया और दर्शन करने के बाद मन में शांति बहुत मिलती है हमें, बहुत अच्छा लग रहा ये मंदिर में आके। और यहाँ का स्पॉट जो है ना वो बहुत अच्छा है, लोग एक व्यू यहाँ से भी देख लीजिए। पहली बार मैंने ऐसी मंदिर देखी जहाँ मतलब भोलेनाथ जी इतने नज़दीक हों गंगा माता के, मतलब चरणों में गंगा माता और ऊपर भोलेनाथ जी, बहुत अच्छा लगा ये व्यू हमें। हमारी तैयारी हो चुकी है, अब हम अपने घर की तरफ निकलने के लिए तैयार हैं, बस हम लोग निकलने वाले हैं। मथुरा आगरा।